नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता और आपका अपने चैनल जायका गजब का में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ चावल के खीर की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय डिश है। ये भारत और दक्षिण एशिया के सभी देशों में बनाई जाती है। हमारे घर में कोई त्यौहार हो या कोई पूजा पाठ का आयोजन हो या हमारे घर में मेहमान आते हो, हमारे पास चाहे जितनी मिठाइयाँ रखी हो लेकिन हम खीर को जरूर बनाते हैं। सबसे खास बात खीर की तो ये होती है, जब हम कोई नया घर लेते हैं और हम गृह प्रवेश करते हैं तो हमारे किचन में सबसे पहले खीर ही बनाई जाती है। खीर का जिक्र हमारे आयुर्वेदों में भी किया गया है, इसीलिए मैं आज आपके साथ चावल की खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आगे भाई बहनों का त्यौहार भी आने वाला है, रक्षाबंधन। तो चलिए बनाते हैं चावल की खीर। खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने टूटे हुए चावल लिए हैं। अगर आपके पास टूटे हुए चावल नहीं है तो आप इसको एक बार मिक्सी में चला दीजिएगा। फिर चावल को मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगा दिया है। 1.5 लीटर दूध के लिए मैंने अपनी हथेली का नाप बना रखा है। ये देखिए, इतनी जितना मेरी हथेली में आता है उतने चावल में 1.5 लीटर दूध में डालती हूँ। चलिए अब खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मोटे तले का बर्तन लिया है। खीर आप जब भी बनाइए तो उसका तला मोटा होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने करीब 1.5 लीटर दूध लिया है। ये फुल क्रीम दूध है, इसको मैंने रात में ही गर्म करके फ्रिज में रख दिया था, जिसकी वजह से इसमें एक मोटी मलाई पड़ गई है। अगर आप खीर बनाना चाहते हैं तो आप तुरंत दूध लेकर के आइए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से एक दिन पहले दूध ला के और उबाल के फ्रिज में रख दिए हैं तो कोई बात नहीं। अभी जब दूध हम इस खौलाएंगे तब हम इसे कलछी की मदद से अच्छी तरह से जब फेरते जाएंगे तो मलाई और दूध एक में मिक्स हो जाएगा। खीर तभी बहुत अच्छी बनती है जब दूध में मलाई ना पड़ने पाए। मैं एक कलछी की मदद से इसको अच्छी तरह से फेट फेट के और इसकी मलाई में दूध में मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे करीब मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। ये कम से कम 5 से 6 लोगों के लिए सफिशियंट होता है। बस बात और है कि किसी को ज्यादा पसंद आ जाए तब थोड़ी कम पड़ सकती है, नहीं तो ये 5 से 6 लोगों के लिए सफिशियंट है। ये देखिए दूध अब खोल गया है और मैंने कलछी की मदद से मलाई को भी अच्छी तरह से फेर दिया है। अब दूध में कहीं मलाई नजर नहीं आ रही है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे और मैंने यहाँ पे केसर डाल दिया है, जिससे कि दूध में केसर का रंग बहुत अच्छी तरह से आ जाए, इसलिए आप खीर बनाते समय ही डाल दीजिएगा। और अब हम इसे 25 से 30 मिनट तक मुझे मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से इसी तरह से चलाते रहना है, जिससे दूध में मलाई ना पड़ने पाए और दूध और चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए खीर में उबाल आ गया है बहुत अच्छी तरह से और खीर लगभग लगभग गाढ़ी हो चुकी है। केसर का भी बहुत अच्छा कलर यहाँ पे आ गया है। खीर बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमें अपना हाथ रोकना नहीं है। अब यहाँ पे मैंने इलायची डाला है और चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा, पहले थोड़ी डालिएगा फिर आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर कम होगी तो आप थोड़ा और डाल दीजिएगा। और इलायची को मैंने कूट के डाला था और अब हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरा बेटा ड्राई फ्रूट नहीं खाता है इसलिए मैंने अभी ड्राई फ्रूट नहीं डाला है। जब खीर लगभग बनके तैयार हो जाएगी तो मैं उसके लिए निकाल दूंगी। ये देखिए मैंने अपने बेटे के लिए खीर निकाल दी है। अब मैं यहाँ पे काजू और बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके डाला है। आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, खीर में पिस्ता भी बहुत अच्छा लगता है। और अब हमें इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से कलछी की मदद से चला चला के और खीर को बनाना है। ये देखिए खीर लगभग बनके तैयार हो चुकी है, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। बस खीर की तारीफ यही है कि हम इसको जितना अच्छी तरह से चलाएंगे उतना अच्छा खीर बनेगा। अब गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और ये देखिए खीर बनके तैयार हो गई है। दोस्तों खीर बनके तैयार हो चुकी है, कितना अच्छा कलर आया। इसको मैंने थोड़े से बादाम और केसर से सजा दिया है। इस त्योहार पे आप इसको जरूर से जरूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।